अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सभी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, सभी बहुत खुश होंगे। आप देख रहे हैं सुभान फूड सीक्रेट्स यूट्यूब चैनल और मैं हूँ आयशा। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही अट्रैक्टिव और टेस्टी सी रेसिपी जिसका नाम है पोटैटो नेस्ट रेसिपी। आज हम आलूओं से चिड़ियों का घोंसला बनाएंगे और ये इतना टेस्टी बन के तैयार होगा कि क्या ही कहने हैं। जितने ये देखने में अट्रैक्टिव लगेंगे, ये उतने ही खाने में कमाल लगेंगे। ये इतने प्रेजेंटेबल बनके तैयार होते हैं कि आप इसे किसी पार्टी में भी रख सकते हैं, सभी लोग बहुत ज्यादा पसंद करेंगे। चलिए आपका टाइम जाया किए बिना अपनी जबरदस्ती रेसिपी की तरफ चलते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें यहाँ पे चाहिए होंगे 4 अदद हमारे पास मीडियम साइज के आलू हैं। यहाँ पर आलुओं को हमने बॉईल कर लिया हुआ है और अब हम यहाँ पर इन आलुओं को ग्रेट कर लेते हैं। आप चाहें तो आप मैश भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन आपने कोशिश ये करनी है कि इसकी जो डो है वो बहुत ही स्मूथ सी बन के तैयार होनी चाहिए, बिल्कुल भी मोटे मोटे लम्स ना हो उसमें। आलुओं को ग्रेट करके बाउल में ऐड कर दिया हुआ है। अब हम यहाँ पर इसे भी बहुत अच्छे तरीके से ऐसे मैश कर लेंगे। बिल्कुल आपने इसका स्मूथ सा जो डो है वो तैयार करना है, ठीक है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 2-3 टेबलस्पून के बराबर बारीक चॉप की हुई प्याज है हमारे पास। इसका पानी जो है अच्छे से आपने खुश कर लेना है, नहीं तो बहुत तंग करेगा, रेसिपी हमारी खराब हो जाएगी। 1 टेबलस्पून के बराबर बारीक चॉप की हुई हरी मिर्ची ऐड करेंगे और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टेबलस्पून के बराबर ये अदरक और लहसुन का पेस्ट है हमारे पास। आपके पास अगर पाउडर है तो आप वो ऐड कर सकते हैं। 1.5 टेबलस्पून के बराबर ये हमारे पास हरा धनिया है बारीक कट किया, वो हम इसमें ऐड करेंगे। अब बारी आ जाती है इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करने की। इसमें सबसे पहले हम ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून ये हमारे पास लाल मिर्च का पाउडर है। 1/2 टीस्पून भर के ही हम इसमें नमक ऐड करेंगे। ये 1/2 टीस्पून इसमें हल्दी ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून जीरे का पाउडर और 1/2 टीस्पून ही साबुत जीरा ऐड करेंगे। स्पाइसेस आप लोग अपनी मर्जी से कम ज्यादा कर सकते हैं, नो इशू। ये आगे जी 1/2 टीस्पून के बराबर कुटी हुई लाल मिर्च और अब इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून के बराबर ये हमारे पास कॉर्नफ्लोर है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप मैदा ऐड कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अच्छे तरीके से यहाँ पर अब हम इसे मिक्स करेंगे और इसकी एक जबरदस्ती डो तैयार कर लेंगे। डो हमारी बिल्कुल तैयार है, अब हम घोंसले बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने हाथों पे लगाएंगे कुकिंग ऑयल ताकि ये मिक्सचर हमारे हाथों पे ना चिपके। थोड़ा सा हम इसका मिक्सचर लेंगे, जिस भी साइज के आप घोंसले बनाना चाहते हैं आप उतना सा मिक्सर ले लीजिएगा। इसे सबसे पहले हम राउंड शेप में बॉल बनाएंगे। ये देखें, बॉल बना के इसके बिल्कुल सेंटर में से हम इसको इस तरीके से फोल्ड करते जाएंगे ताकि जबरदस्त सा एक होल बन जाए। एक इस तरीके से बन के तैयार हो चुका हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं घोंसले हमने सारे बना के तैयार कर लिए हुए हैं। अब हम इसकी जबरदस्ती कोटिंग की तरफ चलते हैं। वीडियो को स्किप मत करिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग सी वीडियो होने वाली है। फिर से यहाँ पर हम एक अदद बॉल लेंगे, इसमें हम ऐड करेंगे 1/2 कप के बराबर ये हमारे पास कॉर्नफ्लोर है। अगर ये नहीं है तो आप मैदा ऐड कर लीजिएगा। पानी डालेंगे हम इसमें और इसका हम एक जबरदस्त सा घोल तैयार कर लेंगे। बहुत ज्यादा पतला नहीं आपने इसको रखना, ठीक है। घोल अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल तैयार हो चुका हुआ, इसकी कंसिस्टेंसी आपने यही रखनी है, ये बहुत ज्यादा पतला नहीं आपने इसको रखना। और अब हम यहाँ पर इस तरीके से एक अदद ये घोंसला उठाएंगे और इसको अच्छे तरीके से हम इस घोल में डिप करेंगे। घोल को लगाने के बाद ये हमारे पास बारीक वाली सेवइयां हैं, इसको बहुत बारीक बारीक सा हमने तोड़ लिया हुआ है, ये हम इसमें रखेंगे और इसको अच्छे तरीके से हम ये सेवइयां लगा देंगे। ये ले जी अल्हम्दुलिल्लाह, एक के ऊपर जबरदस्ती कोटिंग जो है वो हो चुकी हुई है। और अब हम इसी तरह सारे कर लेते हैं और फिर चलते हैं गैस की तरफ। ये ले जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप देख सकते हैं घोंसलों के ऊपर जबरदस्ती कोटिंग जो है वो मैंने कर ली हुई है। माशाल्लाह से मैंने छोटे छोटे से अंडे भी बना लिए हुए हैं। एक अदद मैंने आलू लिया है, इसे मैश कर लिया हुआ है। इसमें नमक डाल के इसके छोटे छोटे से ये आप देख सकते हैं अंडे बना लिए हुए हैं। दूसरी तरफ हम रखेंगे गैस पे एक अदद पैन और इसमें हम ऐड करेंगे तकरीबन 1 कप के बराबर कुकिंग ऑयल यहाँ पर जबरदस्त सा गर्म हो चुका हुआ है। और अब हम इसमें ये ऐड करते जाएंगे पोटैटो नेस्ट, इसके ऊपर तक कुकिंग ऑयल फेंकते जाएंगे ताकि जबरदस्त सा ये सेट हो जाए। गैस का फ्लेम यहाँ पर मीडियम है और बहुत ज्यादा आपने इसको डार्क कलर नहीं देना है, ठीक है। यहाँ पर तकरीबन हो चुके हुए हैं 2-3 मिनट इसे एक साइड से फ्राई करते हुए। साइड को हम बहुत एहतियात के साथ चेंज कर देंगे और दूसरी साइड से भी खूबसूरत सा गोल्डन कलर इसके ऊपर ले आएंगे। ये ले जी यहाँ पर हो चुके हुए हैं 4-5 मिनट इसे मीडियम फ्लेम पे फ्राई करते हुए। आप देख सकते हैं इसके ऊपर कितना खूबसूरत सा गोल्डन कलर जो है वो आने लग चुका हुआ है। इसे अब हम निकाल लेते हैं और फाइनल लुक की तरफ चलते हैं। आपको फाइनल डिश आउट करके दिखाती हूँ कि ये किस तरीके से बन के तैयार होंगे। तो ये लीजिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही शानदार, बहुत ही टेस्टी पोटैटो नेस्ट हमारे जो है वो बन के तैयार हो चुके हुए हैं।
ये आप बच्चों को बना के देंगे तो इंशाल्लाह बच्चे तो इसके फैन हो जाएंगे। आप लोग इफ्तार पार्टीज में या इफ्तार रेसिपीज में इसे जरूर ट्राई करिएगा, ये इंशाल्लाह सभी को बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है। कोई ज्यादा टाइम नहीं लगा, बहुत जल्दी से ये बनके तैयार हो जाती है। मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिएगा। अगर आप मेरे चैनल सुभान फूड सीक्रेट पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। मैं आपको इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। आपने अपना ढेर सारा ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज।